बच्चा जब पढ़ने के लिए कनाडा जा रहा था तो वो बेफिक्र होकर जा रहा था, उसके मन में कोई ज्यादा सवाल नहीं थे। लेकिन अब वो जब जा रहा है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी ही बनी, खबरें कुछ ऐसी ही आई। लेकिन आप जा रहे हैं या आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को पहुंचाया है कनाडा, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए, जिन्हें कनाडा किंग भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों के सपने पूरे कर चुके हैं। धीरज गांधी जी हमारे साथ हैं, जो इमिग्रेशन गुरु के फाउंडर हैं। करनाल के मुगल कनाल में इनका ये ऑफिस है, यहां पर आप कभी भी आ सकते हैं अपने सवाल लेकर। धीरज जी, एक जो बात मैंने शुरुआत की कि पहले जब जा रहे थे तो इतने सवाल नहीं थे, बेफिक्र होकर, उनके पिता माता पिता भी बेफिक्र होकर अपने बच्चे को भेज रहे थे, लेकिन जो स्थिति बनी, जो बातें आई, उसके बाद सवाल कई हो गए, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैं बात करता हूँ आज की स्थिति की। आज की स्थिति जो कनाडा के अंदर बनी हुई है, जो इंडिया में जो वीडियो सामने आ रही है, कुछ ऐसा है। ठीक है, एक इंडिया और कनाडा की कोल्ड वॉर चल रही होगी, कुछ ऊपर हायर लेवल पे जो ऊपर के डिप्लोमेट्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ बातचीत है। पर जो बच्चे कनाडा जाने का सोच रहे हैं और जो बच्चे ये सोच के बैठे कि उनका वीजा आएगा या वो जाना सही है नहीं है, तो ऐसा उनको कोई बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। कनाडा ने स्पष्ट बोला है कि ना मैं स्टूडेंट को यहाँ पे हार्म होने दूंगा, ना मैं स्टूडेंट वीजा के ऊपर कोई स्टॉप लगाऊंगा। और इवन देन 10 अगस्त के बाद अगर मैं अपनी वीजा सक्सेस रेट की बात करूं तो वो 100% हो चुका। हमारा एक भी रिफ्यूजल, सिंगल रिफ्यूजल नहीं आया स्टूडेंट वीजा के अंदर। मैं इस विषय पर आऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर जरूर रहता है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा लोगों के वीजा आ गए थे लेकिन 6 महीने का इंतजार करना पड़ गया था। तो मन में वैसी स्थिति भी कई बार आती है कि यार वीजा आ जाएगा, उसके बाद यार 5-6 महीने कहीं वेट ना करना पड़ जाए। आपसे भी ऐसे लोग सवाल तो करते ही होंगे। बिल्कुल। हमने लोगों लोग आके पूछते हैं कि भी मेरा वीजा आ गया तो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। बट वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो साहब है, उन्होंने स्पेशल स्पेसिफाई करा है कि वी विल नेवर स्टॉप आवर वीजा सर्विसेज। इससे अलावा तो देखो आने वाली स्थिति क्या भी हो सकती है, बट इसके ऊपर आज की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो बच्चों को इस चीज की वरी करने की जरूरत नहीं है कि उनका वीजा आ जाएगा, उनको 6 महीने यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इमिग्रेशन गुरु करनाल की मुगल कनाल में स्थित है और एसईओ नंबर है 340। आपके मन में कोई भी सवाल है, अगर जो सवाल मैं कर रहा हूं उसके अलावा भी है तो भी आप यहां पर आकर जानकारी ले सकते हैं। एक बात ये कि बहुत सारे नए इंप्लीमेंट आए, बहुत सारे नए नियम आए, ये भी कहा जा रहा है कि पहले आपको अगर 6 बैंड की जरूरत होती थी तो अब आपका 5.5 बैंड में भी वीजा लग सकता है, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल। पहले जो रिक्वायरमेंट होती थी वो 6 एज की होती थी एसडीएस कैटेगरी के लिए, बट आज की जो रिक्वायरमेंट हो चुकी है आइट्स की 6 no less than 5.5, एक में 5 बैंड है, ओवरऑल 6 है, हमने उसमें भी वीजा लिया है। 60 स्कोर है पीटी के अंदर, हमने उसमें भी वीजा लिया है। 83 टोफल में स्कोर है, हम उसमें भी वीजा ले रहे हैं। सो ये जो उन्होंने रूल्स चेंज करे हैं तो वो उनका हमें ये टेंशन दी कि ये रूल तो चेंज हो रहे हैं, क्या कनाडा वीजा भी देगी नहीं देगी। पर नहीं, उन्होंने अगर रूल चेंज कर रहे हैं तो एसडीएस के अंदर बच्चों के वीजा भी उन्होंने दिए हैं, और मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मेरे पास वीजा पड़े हुए हैं जो मैं बच्चों को दिखा भी सकता हूँ कि 6 no less than 5.5, 60 PT के अंदर हमने कैनेडियन गवर्नमेंट वीजा दे रही है। आपको बता दें कि 10 अगस्त के बाद जो रूल चेंज हुए हैं उसमें आप 5.5 बैंड के साथ भी कनाडा जा सकते हैं, और उसके बाद सक्सेस रेट है वीजा का वो एकदम बढ़ गया है, और इसलिए ही धीरज गांधी जी को कनाडा का किंग कहा जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पर आते हैं, उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ आप पहुंच गए, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब को लेकर परेशानी आती है, ऐसे बहुत सारे रील्स मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे फोन भी आए होंगे, तो जॉब को लेकर वहां क्या स्थिति है? जॉब नहीं होगी तो फिर सारे सपने धरे रह जाएंगे। देखो हर एक पहलू के ना दो फेस होते हैं, ये भी है और ये भी है। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे जॉब्स का रिसेशन हमने सुना भी, हमने बच्चों से बातचीत भी करी, उन्होंने कहा हमें प्रॉब्लम भी आ रही है, पर
पर हमने फिर इसका ना पीछे का रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करी। जब पीछे का रीजन फाइंड आउट करा तो हमें पता लगा कि जो आज की डिमांड है कनाडा के अंदर स्किल्स वर्कर की है। अगर मैं बच्चों को मेरे से मेरे इमिग्रेशन थ्रू जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते वो उनकी च्वाइस है, पर मैं हर एक बच्चों को पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो कोई ना कोई यहाँ से स्किल लेके जाएं। बिना स्किल वहां पे आपको जॉब लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर आप सिटी ब्रैम्पटन टोरंटो मिसिसागा में, हमें पता है थोड़ा सा वहां पे बच्चों का रश ज्यादा हो चुका है, तो वैंकूवर विक्टोरिया एडमंटन अल्बर्टा के अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप जाके आप अच्छी यूनिवर्सिटीज भी है वहां पे, अच्छी एजुकेशन भी ले सकते हो, अच्छे वहां पे जॉब भी अपनी ग्रैब कर सकते हो। बहुत सारे देश हैं और हर देश का अलग अलग शहर होता है। कुछ शहर ऐसे होते हैं जहां पर स्किल की जरूरत होती है, वो स्किल अगर आपके पास अच्छे से है तो फिर आप वहां काम वहां पर कामयाब हैं। अगर वो स्किल आपके पास नहीं है तो बहुत सारे और भी शहर हैं जहां पर आप बिना स्किल के भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको काम मिल जाएगा। इनटेक की बात करते हैं, बहुत सारे इनटेक होते हैं, कौन सा इनटेक में बच्चा कौन सा अप्लाई कर सकता है, आने वाले समय में कौन से इनटेक है, बच्चे को कब तक अप्लाई करना है, इसके बारे में जानकारी दे। देखो बच्चा आज भी हमसे आके जेन इनटेक की डिमांड कर देता है कि जेन इनटेक का मेरा एडमिशन करा दो, बट मैं जेन इनटेक वाले बच्चों को कहूंगा पहली बात तो वहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं है जेन इनटेक के लिए। अगर कहीं किसी कॉलेज में हो भी तो आज आप ऑफर लेटर अप्लाई करते हो, 10 दिन ऑफर लेटर आने में लगते हैं, 10 दिन के बाद आप अपनी फीसिस पे करोगे, GIC पे करोगे, ये पे करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को एम्बेसी में लगाओगे तो 20 से 22 दिन कैनेडा के वीज़ा को लग रहे हैं, तो आपका ऑलरेडी ही जेन इनटेक पास हो जाएगा। सो मेरे उन बच्चों से है कि जो कहते हैं मई इनटेक को अभी बहुत टाइम पड़ा, मैं आराम से अप्लाई करूँगा, मई इनटेक भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भी मई इनटेक भी बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगा। फिर बच्चे बोलेंगे हमें सितंबर इनटेक बहुत हो रहा है, मैं सितंबर इनटेक में जाना चाहूँगा, मैं आराम से अप्लाई करूँगा, बिकॉज कैनेडा का जो ऑफर देने का जो सिनेरियो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर है। जो पहले आएगा वो पहले ऑफर लेटर लेके चला जाएगा। दूसरी बात जो बच्चे अब ये सोच के घर बैठ गए कि अभी मई इनटेक को 8 महीने पड़े हुए हैं तो मैं 8 महीने अभी 2-3 महीने बाद आराम से चलूंगा और मैं जब ये हालात सही हो जाएंगे तब अप्लाई करूंगा, मेरा बच्चों को कहना है कि जब तक आप लाइन में खड़े नहीं होगे आपको मिलेगा कहाँ से, ठीक है। सो अगर आप आज सिर्फ एक ऑफर लेटर अप्लाई कर लेते हो तो आपकी एक मई इनटेक की सीट रिजर्व हो जाएगी और आप इन फ्यूचर में 1 महीना 2 महीने बाद अपनी फीस पे करके मई इनटेक के लिए एनरोल हो, बिल्कुल आप उस कतार में आ जाएंगे जो मई इनटेक की है और फिर आपको जाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं दिवाली बाद अप्लाई करूंगा तो फिर आपका जो समय है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और क्या पता मई इनटेक बंद भी हो जाए। एक आखिरी सवाल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेज और पब्लिक कॉलेज जो गवर्नमेंट के होते हैं, क्या फर्क रहता है, कौन सा बच्चा कहाँ पर जाना चाहिए, कितना उसको उसका बेनिफिट मिल सकता है? देखो पब्लिक और प्राइवेट का एक सीधा सा कंसर्न है कनाडा इंडस्ट्री में। पब्लिक कॉलेज वो होते हैं जो गवर्नमेंट से एडिड होते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही हम बोल देते हैं पब्लिक को, और प्राइवेट वो है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का होता है। अब पब्लिक कॉलेज में PGWP मिलता है, PGWP बोलते हैं जैसे स्टडी करने के बाद वर्क परमिट मिलना, ओपन वर्क परमिट मिलना। पब्लिक कॉलेज में बच्चे को इजीली, अगर बच्चा उस अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है तो इजीली अपना PGWP ले लेता है। 1 साल का कोर्स करता है तो 1 साल का PGWP मिलता है, 2 साल का कोर्स करता है तो 3 साल का PGWP मिलता है। उस 3 साल के अंदर वो अपने लिए एक परमानेंट जॉब ढूंढ लेता है जिस बेसिस के ऊपर वो अपनी PR के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब प्राइवेट में क्या इशू आता है, प्राइवेट कॉलेज में बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ से जाता है, वो 2 कमरों का कॉलेज होगा, आप पढ़ोगे आपको PGWP नहीं मिलेगा, अगर मिलेंगे तो पास में मिल गए, बट देर आर स्टिल 2 और 3 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस जो PGWP देते हैं उस प्राइवेट कॉलेजेस के अंगेंस्ट में नहीं होता कभी भी। उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बच्चा जाए पढ़े, वो अच्छे इंस्टीट्यूट है बट है प्राइवेट, बट उनको PGWP मिलता ही है, मतलब कि 2 साल का अगर कोर्स करा तो उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे जानकारी शेयर की, क्योंकि वीज़ा एक्सपर्ट का रोल काफ़ी अहम होता है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए जा रहे हैं किसी दूसरे देश में। तो अगर आप सोच रहे हैं, कोई भी मन में सवाल है
कनाडा जाने के लिए तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है इमिग्रेशन गुरु, क्योंकि यहां से बहुत सारे बच्चों के वीजा लगे हैं, इसलिए इन्हें कनाडा किंग भी कहा जाता है। आपको आना है मुगल कनाल में, एससीओ नंबर 340 है, अपने सवाल लेकर आए, अपनी फाइल लेकर आए, और अगर वीजा लग जाता है आपका तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए आयल्स में 5.5 बैंड वाला अप्लाई कर सकता है। तो ये जो सक्सेस रेशियो है वो लगातार बढ़ा है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग, धन्यवाद।